हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मीवी डुओ पोर्ट्स की, नहीं वन प्लस की। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस का जो लेटेस्ट अभी बैंड निकला है, लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा ओल्ड हो गया है, लेकिन इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सारे फीचर्स बताएंगे, इसकी क्वालिटी बताएंगे, इसकी जो बुरी क्वालिटी है, बैड क्वालिटीज़ जो हैं वो भी बताएंगे। क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए, क्या ये वेस्ट ऑफ मनी है या फिर ये आप परचेज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मेरे पास आज ही आया है। मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूँ कि जैसे ये वाटरप्रूफ वगैरह है, ऐसी सारी इसकी डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। सबसे पहले चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के चारों साइड हमने देख लिया है, वन प्लस की ब्रांडिंग है सिंपल सी। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि अंदर इसमें क्या निकलता है। तो जैसे हम बाहर निकालेंगे इसे, तो सिंपल से मुझे दोस्तों सिर्फ दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और जो पहली चीज़ है वो है यहाँ पे चार्जर। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जर किस टाइप का है, ये मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये रहा चार्जर, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और चार्जर जो है दोस्तों, वो किसी भी चार्जर में लग सकता है। और इसके ऊपर जो बैंड है, बैंड रिमूवेबल है। बैंड जब वहाँ से निकलेगा तो उसे हम इसमें फ़िट करके और चार्ज कर सकते हैं। कैसे फ़िट होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सेकंड, हमारा बैंड हमारे हाथ में ये शायद चालू है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इसने हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जो लाइट थी है वो अभी इसमें जल रही थी। ये चालू है, ये देखिए इसमें ये लाइट जल रही है, मतलब ये फुल चार्ज आया है और चालू आया है। ये जो लाइट है दोस्तों, ये आपका SPO2 और हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए काम आती है। आपकी जो निफ्स रहती हैं उनको यहीं से ट्रैक करके और वो सारी चीज़ें बताती है। बैंड थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अच्छा है, मेरे हिसाब से प्रीमियम दिख रहा है। वन प्लस का सामने एक छोटा सा लिखा हुआ है, वहाँ पे वन प्लस का एक छोटा सा लोगो है वन प्लस करके। और ये यहाँ पे इसके कुछ वॉच फेसेस हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे। अगर मैं आपको बताऊँ कि वॉच फेसेस के बारे में, तो यहाँ से 13 से 15 वॉच फेसेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। और अगर आप भी कोई वॉच फेसेस चाहते हैं तो वह आप अपने फ़ोन से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा वन प्लस का, उसके बाद आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे 15 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड्स अवेलेबल हैं। सारे स्पोर्ट्स मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपकी डेली एक्टिविटी से लेके हर एक चीज़, क्लॉक, रिमाइंडर, जो भी स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आप खेलते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी दूसरी चीज़ें हार्ट रेट, SPO2 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहते हैं कि 24/7 हार्ट रेट जो रहेंगे आपकी वो यहाँ पे ये ट्रैक करेंगे। उसके अलावा जो है ये वाइब्रेटेंट है, एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, भले स्क्रीन 1.1 या 2 इंच का है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो एमोलेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। SPO2 ब्लड ऑक्सीजन है। इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग भी इसमें अवेलेबल है, आप कितने देर सो रहे हैं, सोते टाइम आपकी हार्ट रेट क्या है, सब आप इसमें यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। और IP68 वाटर रेसिस्टेंस है, मतलब दोस्तों पानी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट है। जैसे आप 10 मीटर तक पानी में ले जा सकते हैं और कुछ मिनट्स तक आप इसे पानी में यूज़ कर सकते हैं, तो वो वारंटी में रहेगा। इसमें दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। अगर कहे जाएँ तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने ये जो मंगाई है दोस्तों, ये मैंने मंगाई है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, 1500 रुपये में मैंने ये बैंड मंगा लिया है। और मुझे 1500 के हिसाब से ये बैंड सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ की अगर बात करूं, तो अगर आप चलाते हैं, अच्छी खासी चलाते हैं, तो एक हफ्ते तो ये 1 वीक ईजली चलने वाली है। रिस्ट में अगर हम पहन के देखें दोस्तों, तो रिस्ट में ये कैसी लगती है लुकवाइज, तो लुकवाइज भी गुड है, अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि बैंड के हिसाब से दोस्तों, बैंड तो सब ऐसे ही लगते हैं। स्पोर्ट्स मोड अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूर ये लेना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है वन प्लस का। ये देख सकते हैं आप, इसका जो वो है, मतलब बैंड था वो अलग हट चुका है, और जो इसका सिर्फ मॉडल था वो बाहर आ चुका है। यहाँ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके जो अलग अलग बैंड्स हैं आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएंगे, उनके अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर चार्ज भी करने के लिए आपको इसे निकालना ही पड़ेगा, निकाल कर आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँगा अभी चार्जर में लगा के। यहाँ आप देखिए, ये जो दिख रहा है, इस कैप्सूल को हमें यहाँ पर इसे फिट कर देना है, और ये जो चार्जिंग पॉइंट है इसको हमें हमारे किसी भी चार्जर में लगा
लगा देना है। आपको ये दोस्तों 2 से 3 घंटे लेगा। बैटरी लाइफ अगर मैं आपको कहूँ तो 13 दिन का वन प्लस वालों ने कहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 दिन तो चल जाएगी। 8 दिन सफिशेंट भी होती है, 8 दिन बहुत होते हैं किसी भी बैंड या स्मार्टवॉच के लिए। तो ये बैंड मेरे हिसाब से बहुत क्लासी है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है, एक्टिविटी वाइज भी अच्छा है, मॉड्स भी अच्छे हैं, बैटरी लाइफ भी अच्छी, ऑल ओवर अगर कहें तो ये अच्छा एक बैंड है। इस प्राइस में आपको ये कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर, लेकिन आप देखिएगा फ्लिपकार्ट पे ये थोड़ा सा महंगा मिल रहा है और अमेज़ॉन पे थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, तो आप चाहें तो उसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी गलत लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।